बैठा है, मुश्किलात के रास्ते पे हार कर। औलादा जरा देख अली को पुकार कर, मेरा सासु पुकारे अली अली, मेरा सासु पुकारे अली अली, अली अली और नस नस बोले लबी लबी। हजरत बिलाल पहले गुलाम यहूद थे, हाजिर तो ये है बातिनी अब शहूर थे। देखा जो नूरे मुस्तफा कुर्बान हो गए, इश्के नबी में साहिब ईमान हो गए। लेते थे आप नामे मोहम्मद को बार बार, जिक्रे रसूल पाक में रोते थे दार दार। पूछा यहूदियों ने ये क्या ख्याल है, कलमा जुबान पे तेरी ये किसका बिलाल है। हृदय जुबान जो नामे मोहम्मद है छोड़ दे, अपने ख्याल काम की रस्सी को तोड़ दे। बोले बिलाल आशिकी दिल ने कबूल की, अब जानो दिल के साथ है उल्फत रसूल की। तब जालिमों ने पैरहन तन से उतार कर, दुर्रे लगाए गर्म से पत्थर पे डाल कर, और गर्म लोहे से चेहरे पर कुछ दाग भी किए। पाँव में रस्सी बांध कर फिर खींचते मेरे, फिर बोले क्या मिलेगा मोहम्मद के नाम को। बोले बिलाल छोड़ूंगा ना खैर अलाम को, बोले बिलाल छोड़ूंगा ना खैर अलाम। मैं कर डालो बोटियां मेरी या सर करो तन से जुदा, जिस तुम बने ये हाल तो हक से इल्तजा। अल्लाह अल्लाह की सदा दे जिस्म की सब हड्डियां, नस नस बोले नस नस बोले। मुफ्ती
सियान दीन ने सरमत से जिस दम ये कहा कि कलमे तैयब को आधा किस लिए तुमने पढ़ा, क्यों खिलाफे हुक्म शरा ये कदम तुमने रखा। भाई कह तो गुजरे पर मालूम है तुम्हें इसकी सजा। फिर मुफ्तियान दीन ने मुत्तफिक ये फतवा दिया कि आधा कलमा पढ़ने पर सर करो तन से जुदा। शरीयत के मुताबिक सर झुकाता हूँ ये सरमद ने कहा, मार दीजिए मेरी गर्दन गम नहीं मुझको जरा, मार दीजिए मेरी गर्दन गम नहीं मुझको जरा। लेकिन हरगिज गलत नहीं मैंने कहा, जैसा पूछा आपने वो सब सही मैंने कहा। यानी ला इलाहा से पहले कुछ होता तो बतलाता हुजूर, और ला इलाहा के बाद कर पूछते तो बतलाता हुजूर। यानी अल्लाह से पहले कुछ होता तो बतलाता हुजूर, और अल्लाह के बाद अगर पूछते तो बतलाता जरूर। लेकिन इसमें राज है, इस राज को समझो कि क्या। कल मैं तैयब को आधा किस लिए मैंने पढ़ा, था मेरा कि मुंह से तो मेरे निकले सिर्फ ला इलाहा और नस नस बोले नस। नबी नबी
नबी नबी नबी नबी अगर ताली में सरकारे दो आलम आम हो जाए नबी नबी अगर ताली में सरकारे दो आलम आम हो जाए अगर ताली में सरकारे दो आलम आम हो जाए ये दुनिया अपनी साजिश में अभी नाकाम हो जाए नबी नबिया शबे मेराज क्या था तालिबो मतलूब कालम सदा थी खुतनु मिन्नी की जो आती थी वहां तो ये मिसरा पड़ा खुसरो ने बेसाखदा पैगम मोहम्मद शम्मा में बिलबूद शब चाहे के मलबूदम ना परदेश भी आई हाँ अंदर मोहम्मद है नबी नबिया अजब माजरा है हुजूर अजब माजरा है अजब माजरा है के जन्नत से हमको निकाले खुदा और बुलाए मोहम्मद नबी नबी कयामत में जब पहुंचेंगे पेश दावत न गमखार होगा कोई न होगा कोई रहबर सदाए नफ्स नफ्सी की देते होंगे पैगंबर किसी का न कोई मददगार होगा गुनाहगार हर एक बेजार होगा तो हश्र में शोर उठेगा एकदम के आते शाफ़े मुकर्रम जिन्हें कहते हैं हम शाफ़े दो आलम यानी गुनाहगार बंदों को रोज़े कयामत हुज़ूर खताकार बंदों को रोज़े कयामत सजा दे खुदा और छुड़ाए मोहम्मद नबी नबी
मोहम्मद नबी नबिया हुए मसनद नशीन अर्श जिस दम सरवरे आलम तसद्दुक रहमतें होने लगी सरकार पर पैहम तो पूछा हक ने हुजूर तुम क्या चाहते हो रूनुमाई में अता कर दूंगा मांगो आज जो भी है खुदाई में तो मोहम्मद ने कहा या इलाही लाज रख लेना बरोज हश्र मेरी अजमते मेराज रख लेना तमन्ना कुछ नहीं एक माबूद रूदा दिलाया हूँ मेरी उम्मत को दोजख से बचा फरियाद लाया हूँ को दौलत से बचा फरियाद लाया कहा अगले वही होगा जो मर्जी तुम्हारी है जो तुम प्यारे हो ऐ महबूब तो उम्मत भी प्यारी है उम्मत को खुदा ने बख्श दिया महबूब की जिद थी क्या करता जितने थे पैगंबर चीख उठे नबी नबिया नबी नबी या नबी नबी या नबी